ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर चुरा वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी तो इंटरनेट पे ये सर्च जरूर किया होगा कि हम व्हाट्सएप को कैसे हैक कर सकते हैं। तो नॉर्मली तौर पे वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं कि हाँ आप इस माध्यम से व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार व्हाट्सएप हैक हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों इतना जान लीजिए, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो 100% सिक्योर हो, वो हैक हो ही ना। दोस्तों व्हाट्सएप हैक हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ चीजें निकल के आती है, कुछ बातें निकल के आती है। सबसे पहले व्हाट्सएप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो दोस्तों अपने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत खर्च करती है सालाना। नॉर्मली तौर पे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर किया है, बड़े बड़े हैकर्स को हायर करके रखा है अपने सिक्योरिटी को मजबूत रखने में। तो ऐसे में व्हाट्सएप को हैक करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। एज अ एग्जाम्पल, एक नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है कि वो व्हाट्सएप को हैक कर सके, लेकिन हाँ दुनिया में बहुत से बड़े बड़े प्रो हैकर्स हैं जो व्हाट्सएप को हैक कर सके। तो यहाँ पे जो बात निकल के आती, सबसे पहले व्हाट्सएप हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे तो बात निकल के आता है व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट की सच्चाई के बारे में। नॉर्मली तौर पे दोस्तों इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जहां पे बताया जा रहा है कि आप व्हाट्सएप को इस तरह से हैक कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे वहां पे आपको तीन तरीके बताए जाते हैं, एक तो कोड को स्कैन करके और दूसरा किसी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यानी कोई स्पाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या फिर कुछ वेबसाइट के बारे में बताया जाता है कि जहां पे जाइए और जिनका व्हाट्सएप आपको हैक करना है उनका व्हाट्सएप नंबर वहां पे लिखिए और नॉर्मली तौर पे जैसे ही लिखिएगा उनका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। अभी क्या है हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे निकल के आता है कोडिंग वाला, मतलब कि कोड को स्कैन कीजिए जो क्यूआर कोड आपको देखने को मिलता है, उसके बाद व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जितना भी तरीका आपको बताया जा रहा है सब में आप जिनका हैक करना चाहते हैं व्हाट्सएप जो विक्टिम है उनका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे निकल के आए क्यूआर कोड को स्कैन करके हम व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। दोस्तों ये सरासर गलत है, इसे हम लोग हैकिंग नहीं कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप को हैक कर रहे हैं वो हैकिंग नहीं है, वो व्हाट्सएप की ओर से ही एक फीचर है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया है कि जो लोग के पास एक ही नंबर है, एक ही व्हाट्सएप है और वो एक्सेस करना चाहते हैं दो जगह पे, मतलब पीसी पे भी उसी व्हाट्सएप को एक्सेस करना चाहते हैं और स्मार्टफोन पे भी उसी व्हाट्सएप को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में उस फीचर के माध्यम से वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एज अ एग्जाम्पल दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपके पास कोई कंप्यूटर है, वहां पे ब्राउजर में जाके ओपन कीजिए whatsappweb.com। नॉर्मली तौर पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको वहां पे क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। अब नॉर्मली तौर पे अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को खोल लीजिए, आपको कॉर्नर में 3 डॉट्स देखने को मिलता है, उसे टैप करके व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहां से आप स्कैन कर सकते हैं। तो आपको स्कैनिंग कैमरा टाइप में एक स्कैनर खुल जाएगा आपके मोबाइल में, उस स्कैनर से जो व्हाट्सएप कोड आपको देखने को मिल रहा है वेब कोड आपके पीसी पे, उसे स्कैन कर लीजिए, आपका जो व्हाट्सएप है यहां पे भी एक्सेस हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप वेब यानी जो आपका व्हाट्सएप वेब जहां पे किया है पीसी में वहां पे भी एक्सेस हो जाएगा। ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि वहां से लॉग आउट कर दें तो लॉग आउट भी वहां से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पहली बात जो निकल के आई दोस्तों इस तरीके से हैक करने की, तो खैर मैं आपको बता चुका हूं कि इसे हैकिंग नहीं कहते हैं, ये हैकिंग नहीं है, ये व्हाट्सएप का ही एक फीचर है दोस्तों। दोस्तों यहां पे जो दूसरा ऑप्शन निकल के आता है वो है किसी स्पाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों ऐसे में आप ये हैक करना चाहते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले आपको जिसमें यूज करना है, मतलब कि जिनका व्हाट्सएप हैक करना जो विक्टिम है, उनका मोबाइल आपको लेना पड़ेगा और नॉर्मली तौर पे वहां पे कोई स्पाई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद उसे हाइड कर देना है। ऐसा फीचर्स आपको देखने को मिलता है, ये कीजिएगा तो वहां पे व्हाट्सएप हैक होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से व्हाट्सएप हो सकता है हैक, लेकिन नॉर्मली वहां पे आपको मोबाइल लेना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि जो आपको लग रहा है कि इस तरीके से आप हैक कर सकते हैं तो ये सभी के लिए नहीं है। एज अ एग्जाम्पल, अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके मोबाइल में कर सकते हैं देखभाल के लिए कि हाँ जो मेरा बच्चा है, मेरा चिल्ड्रन है, वो क्या कर रहा है। और ऐसे में अगर वो उनके आप बिना परमिशन के करते हैं, एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक भाई हैं और दूसरे भाई के अपने व्हाट्सएप में ऐसे करते हैं, अगर उनके परमिशन के बिना आप कर रहे हैं तो नॉर्मली तौर पर अगर वो शिकायत कर देंगे तो आपको सजा होगी, 100% होगी।
यानी कि ये इलीगल है। अब ऐसे में दोस्तों निकल के आती है सेफ्टी, हम ऐसे कैसे बच सकते हैं। तो एज एग्जांपल दोस्तों, अगर ये आपको हाइड हो चुका है तो बहुत तरह तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से ये पता कर सकते हैं आप। सबसे पहले अपने सेटिंग को खोल लीजिए। सेटिंग में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिक्योरिटी में आपको एक डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसे टैप कीजिए। वहां पे देखिए कौन कौन से ऐप को एक्सेस दिया गया है। अब नॉर्मली तौर पर कुछ ऐसे ऐप को एक्सेस दिया गया है जिसके बारे में तो आप जानते ही नहीं है, तो उसका एक्सेस आप वहां से हटा सकते हैं। या फिर दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर में जाके जितना भी ऐप इंस्टॉल है उसके बारे में वहां से देख सकते हैं। नॉर्मली तौर पर वो ऐप हाइड भी होगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर विडजेट के माध्यम से भी आप उसे देख सकते हैं। और इन तीनों में से किसी भी माध्यम से आप उसे नहीं देख पा रहे हैं और नॉर्मली तौर पर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा इंस्टॉल है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल को बैकअप रीसेट भी मार सकते हैं, जिसके माध्यम से जितना डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा और साथ ही साथ जो स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा तरीका निकल के आता है वो है किसी वेबसाइट के माध्यम से। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे वेबसाइट है जहां पे जाइए और जिनका आपको हैक करना है व्हाट्सएप, जो विक्टिम है उनके नंबर को वहां पे लिख दीजिए और हैक का बटन को टैप कर दीजिए, उसके बाद उनका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये सही है या फिर गलत है? दोस्तों ये 100% गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। अब नॉर्मली तौर पे आप लोग समझते हैं कि ऐसा हो सकता है तो ये बेवकूफी है, ऐसा नहीं होगा किसी वेबसाइट के माध्यम से। एज एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं तो शायद वहां पे आपका कुछ चोरी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एज एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं वहां पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने के है, उसके माध्यम से कुछ मैलवेयर वगैरह आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाए या फिर कोई रैंसमवेयर वगैरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए, तो ऐसे में आपका डेटा ही चोरी हो सकता है। अब नॉर्मली तौर पर अगर आप लोग किसी वेबसाइट के माध्यम से जाके ऐसा करते हैं तो समझिए अपने टाइम को आप व्यर्थ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। यही सब कुछ तरीके बताए गए हैं दोस्तों इंटरनेट पे जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। तो नॉर्मली तौर पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों ये सब जो तरीका बताया गया है वो इलीगल है, जिसमें से एक तरीका इलीगल है और एक तरीका जो QR कोड को स्कैन करने के बताया गया है, तो नॉर्मली तौर पर वो तो हैकिंग है ही नहीं दोस्तों, वो तो व्हाट्सएप का खुद का फीचर है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे वेबसाइट के माध्यम से जो बताया गया है वो तो आपका समय वहां पे व्यर्थ हो रहा है, शायद आपका ही डेटा वहां से चोरी हो जाए। तो एज एग्जांपल ऐसे ऐसे काम को आप लोग नहीं कीजिए। और स्पाईवेयर जो स्पाई सॉफ्टवेयर है आपके डिवाइस में कोई इंस्टॉल कर दिया है तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं ये भी आपको मैंने आपको बता दिया। और एज एग्जांपल ऐसे में अगर आप कोई लीगल कदम उठाते हैं तो जो स्पाई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उससे आप लीगल कदम के माध्यम से उसे सजा दिलवा सकते हैं। तो यही दोस्तों कुछ तरीके जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पे सेफ रह सकते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। एज एग्जांपल तो व्हाट्सएप हैक करना पॉसिबल सी बात है। अब नॉर्मली तौर पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रो हैकर है जो उसे हैक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि व्हाट्सएप खुद एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो अपने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत खर्च करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलता है तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।